तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ श्रम कार्ड के बारे में। दोस्तों फुल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। मैं हूँ प्रभात राज और आप देख रहे हैं इंडियन टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपको शायद किसी भी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिला होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि विदाउट CSC जो है आप श्रम कार्ड बना सकते हैं ऑल टू ऑल का, ठीक है। तो ऑल टू ऑल का बना सकते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। लिंक इस तरीके से जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं बैक टू CSC अकाउंट। यहाँ पे CSC अकाउंट में आप ऑटोमेटिक लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको एक मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे डाल देनी है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको कैप्चा जो है यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देनी है। इसका सर्वर थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो यहाँ पे कुछ देर ऐसे ही करते रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे जो हम अपना एक मोबाइल नंबर जो यहाँ पे फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली जो है आपको यहाँ पे सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देनी है। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है सर्वर का, तो इस पर फिर से हम जो है फिर से ट्राई करेंगे। सिंपली आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। यहाँ मैं एक अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ और उसके बाद मैं इस मोबाइल नंबर को यहाँ पे Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे एक कैप्चा को मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैप्चा को फिल कर लिया है। सेंड OTP पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा। तो मेरे मोबाइल नंबर पे एक जो है OTP श्रम कार्ड का आ चुका है। तो मैं सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे OTP को फिल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं OTP को फिल कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करने है, कुछ सेकंड वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जो है आ चुका है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे आधार नंबर अपना सिलेक्ट करने है, डाल देना, ठीक है। यहाँ पे आपको डाल देनी है आधार नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद कैप्चर फिंगर पे क्लिक कर देनी है। जैसे है आप फिंगर पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं, तो यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस जल चुका है। तो जल्दी से यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।